आगे 6 का प्रोमो आ चुका है। प्रोमो में जहां एक और रघु और प्रार्थना के बीच की डोर सुलझने वाली है, वहीं पर आप देखेंगे कि दोनों ही बहनें आमने सामने आ जाती है, जहां पर महक और पूर्विका दोनों ही नागलोक के राजपाट के लिए आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। वहीं पूर्विका गलत कदम उठा लेती है, वहीं रघु और प्रार्थना दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आने वाले होते हैं। लेकिन क्या त्रिशा और मृगनयनी ऐसा होने देगी या नहीं, ये तो हम एपिसोड में देखेंगे। लेकिन तक्षक नाग जो है वो करने वाले हैं एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर सभी चौंक जाएंगे। दोस्तों, नागिन 6 के प्रोमो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रार्थना और रघु कभी मिलते हैं कभी बिछड़ते हैं, ऐसी कंडीशन उनके सामने आने वाली है। आपका क्या कहना है महक और पूर्विका के बारे में, और आपको क्या लगता है कि प्रार्थना की कौन सी बेटी नागलोक के राजपाट की पूरी अधिकारी है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।